मृत्यु एक अटल सत्य है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप देख पाओ हमारे वीडियो सबसे पहले। पर मृत्यु होती क्या है? यह प्रश्न मनुष्य के लिए हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। विज्ञान व धर्म दोनों इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। पौराणिक व धार्मिक ग्रंथों का मानना है कि मृत्यु सिर्फ शरीर ही होती है, आत्मा तो हमेशा के लिए अमर है। हमारे के शास्त्रों में मृत्यु से पूर्व दिखा देने वाले लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं 8 ऐसे ही लक्षणों के बारे में। मृत्यु का समय नजदीक आने पर इंसान की आंखों की रोशनी एकदम खत्म हो जाती है। उसे नजदीक रखी हुई वस्तुएं और पास बैठे लोग दिखाई नहीं देती। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति को शीघ्र मृत्यु होनी है उसे जल, तेल आदि पदार्थों में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। अगर दिखता है तो मलिन और विकृत दिखता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन शुभ हुआ परोपकार के कार्यों में बिताया है उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। उन्हें जिंदगी के आखिरी समय में एक सुनहरा प्रकाश दिखा देता है। साधारण मनुष्य को उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों की झलक दिखाई देती है। उसके जीवन की के घटनाएं उसे याद आती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु से पूर्व यम के दूत उस प्राणी के पास आते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं। उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। आखिरी समय में इंसान कुछ बोल नहीं पाता, उसके बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को आकाश मार्ग से यमराज के पास ले जाते हैं। वहां उसके कर्मों के आधार पर न्याय होता है। मृत्यु इस जीवन का अंत है लेकिन उसके साथ एक नया जीवन शुरू होता है। इसलिए जब इंसान धरती पर है उसे भगवान का स्मरण और नेक काम करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।